हाय फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे खुशू फैमिली ब्लॉग यूट्यूब चैनल पे। और आज जाने वाले हैं हम हनुमान जी चुंगाने। तो कहाँ पे जाएंगे हम हनुमान जी चुंगाने के लिए, ये देखने के लिए हमारी वीडियो बने रहे। तो हम जा रहे हैं अब। तो ये हनुमान जी हैं, हम इनको कल लड्डू खुवा देते हैं। ये लो हनुमान जी। तो हम इनको चुंगाने आए हैं, तो ये देखिए आराम से खा रहे हैं, और भी आ रहे हैं। देखिए चना लाए थे तो वो भी चुंगा दिए, और लड्डू लाए थे वो भी चुंगा दिए। तो इस बार में रहते हैं सारे हनुमान जी के पास। हनुमान जी आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो आज मंगलवार है इसलिए हम यहाँ पर हनुमान जी चुंगाने आए हैं। और देखिए हमारी ये यहाँ से रेल जाती है, तो आप देख सकते हैं कि हनुमान जी का मंदिर आ चुका है। देखेंगे कितनी मूर्ति है तो आपको दिखाएंगे। तो हम हनुमान जी के मंदिर पर आ गए हैं और दिखाते हैं आपको कि इस मंदिर में किस किस की मूर्ति है। और देखिए ये मंदिर कितना अच्छा लग रहा है, देखिए बहुत अच्छा बना है ये मंदिर। तो हम इस मंदिर के अंदर आ गए हैं और आप देख सकते हैं कि पहली मूर्ति यहीं से शुरुआत। गणेश जी की मूर्ति है और ये राधा कृष्ण है। नमस्कार गणेश जी, राधा कृष्ण जी। और हम पैसे भी चढ़ा देते हैं। अब हम दूसरे मूर्ति को देखेंगे। तो ये देखिए ये दूसरी मूर्ति है, ये ठाकुर बाबा और ठाकुर बाणी है। तो हम इन पर भी रुपये चढ़ा देती हैं। मंदिर में बहुत अच्छी अच्छी मूर्ति है, तो हमने इस मूर्ति के दर्शन कर लिए और आगे देखते हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी मूर्ति है, तो भगवान है और ये पार्वती माँ है। तो हम इन पर भी रुपये चढ़ा देते हैं और इनके हाथ जोड़ लेते हैं, आशीर्वाद ले लेते हैं। और आगे और दिखाते हैं आपको। तो ये मूर्ति देखिए, ये अन्नपूर्णा माँ है और भगवान शिव शंकर है। तो हम इस पर भी, अब हम अंदर चलते हैं मंदिर में। तो यहाँ बहुत अंधेरा हो रहा है इसलिए मूर्ति कम चमक रही है। तो ये सभी देवता गण हैं, तो हम इनका भी आशीर्वाद ले लेते हैं। क्या हम अब दूसरी मूर्ति देखते हैं। तो ये देखिए, तो ये हैं पांचों पांडवे। तो इन पांचों पांडवों के गुरु हैं द्रोणाचार्य है, और एक है एकलव्य। तो हम इनका भी आशीर्वाद ले लेते हैं और आगे देखते हैं, आगे और भी अच्छी मूर्ति होंगी। तो ये देखिए, ये विष्णु भगवान का नरसिम्हा अवतार है, ये राक्षस को चीर रहे हैं। और ये माए, तो हम इनका भी आशीर्वाद ले लेते हैं। तो हमने इस मूर्ति के दर्शन कर लिए, तो और भी देखते हैं कितनी मूर्ति है। तो ये देखिए, ये भी बहुत सुंदर मूर्ति है। तो ये विष्णु भगवान जी हैं और ये भक्त ध्रुव है। तो हम इनको भी नमस्कार कर लेते हैं और आगे देखते हैं। तो ये देखिए, ये कितनी अच्छी मूर्ति है, ये सागर मंथन कर रहे हैं देवता और तालाब मिलके। तो हम इनके भी दर्शन पा लेते हैं, और भगवान शिव भी हैं। और आगे देखते हैं कितनी अच्छी मूर्ति होंगी। भगवान कृष्ण की मूर्ति है, सार रूप की है ये। और हम आगे देखते हैं कितनी अच्छी अच्छी मूर्ति होंगी। तो देखिए ये साईं बाबा हैं, तो हम इनको भी नमस्कार कर लेते हैं। तो हम और यहाँ अंदर देख सकते हैं आप कि ये जो मंदिर है पत्थरों का है। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर मूर्ति है, बहुत अच्छी अच्छी मूर्ति है। और आगे भी दिखाते हैं हम आपको कितनी अच्छी अच्छी मूर्ति है। तो ये देखिए, ये भी बहुत अच्छी मूर्ति है। ये वहाँ जा रहे हैं, शिव विवाह हो रहा था जब शिव जी का, तो ये दानव, ये देवतागढ़ सभी मिलकर बारात के जा रहे थे। तो भगवान शिव जी नंदी पे सवार हैं और ये अपनी शादी करने के लिए जा रहे थे। और दिखाते हैं आपको अच्छी अच्छी मूर्तियाँ हैं मंदिर में। ये मंदिर बहुत सुंदर है, भगवान है और जो दिख रहे हैं आपको ऊपर वो ब्रह्मा जी हैं, और ये नारद मुनि है और वो गरुड़ देव हैं, और ये माता लक्ष्मी है। तो हम इनको प्रणाम कर लेती है और आगे देखते हैं और अच्छी अच्छी मूर्ति होंगी। ये भगवान श्री कृष्ण हैं, इनके बहुत सारे रूप हैं, तो हम इनको नमस्कार कर लेते हैं और आगे देखते हैं कितनी सारी मूर्तियाँ हैं। तो ये देखिए, ये बजरंग बली है। मंदिर के हनुमान जी हैं जो, वो 30 फुट लंबी मूर्ति है उनकी। तो ये देखने के लिए कि कितनी बड़ी मूर्ति है उनकी, ये देखने के लिए हमारी वीडियो बने रही। तो आगे देखते हैं हम कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं। तो ये भगवान शिव हैं, इनके अनेक ही रूप हैं। तो
देखते हैं हम और अच्छी अच्छी मूर्ति होंगी। तो ये देखिए, ये माँ आदि शक्ति हैं, इनका नाम शेरावाली है और भी इनके अनेक रूप देखने के लिए हमारी वीडियो बने रहे। तो ये इनका एक और रूप है हर हर महादेव, तो इनके भी हम दर्शन कर लेते हैं। और ये भगवान श्याम है और ये मीराबाई है भगवान जी की भक्ति। ये राम लक्ष्मण है और साथ में जानकी माँ है, तो हम इनके भी दर्शन कर लेते हैं। और भक्त हनुमान भी हैं इनके साथ में, तो आगे देखते हैं हम कितनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ होंगी। तो ये भगवान नारायण है और साथ में लक्ष्मी माँ है, तो हम इनको भी नमस्कार करते हैं और भी देखते हैं कितनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ होंगी। चक्रधारी श्री कृष्ण है, तो हम इनको भी कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और भी आगे देखते हैं। तो ये जो मूर्तियाँ हैं, तो इनका नाम है श्री संत सरंगन संत कुमार, ये हैं राजा पृथ्वीराज, और ये हैं बुद्ध और कपिल। तो ये देखिए इनकी बहुत अच्छी अच्छी मूर्ति है, ये देखिए बहुत ही अच्छी अच्छी मूर्ति है, देखिए कितनी अच्छी अच्छी मूर्ति है, और भी आप देख सकते हैं। तो इनका नाम है श्री परशुराम और उनका नाम है भगवान धनमति। तो ये हैं कच्छप भगवान और ये हैं रावण भगवान और ये हैं मोहिनी भगवान, ये है मोहिनी भगवान और ये हैं श्री विष्णु भगवान, तो ये हैं श्री राम, तो हम इनका भी नमस्कार कर लेते हैं। और ये भी मंदिर देखने आई हैं और दर्शन करने आई हैं भगवान की। माँ संतोषी हैं और आगे दिखाती हैं हम आपको अच्छी अच्छी मूर्ति। तो ये माता सरस्वती हैं और ये विष्णु देवी हैं, तो ये महागौरी हैं और ये महाकाली हैं, तो हम इनको ही प्रणाम कर लेते हैं। तो हमको बेसब्री से इंतज़ार था कि हम हनुमान जी के दर्शन करेंगे, तो आप देखना कि हनुमान जी की मूर्ति कितनी बड़ी है, तो आप दिखाती हैं। देखिए अभी इतनी बड़ी मूर्ति है, हम अभी आए नहीं हैं, अभी तो और चलना है और बाकी मूर्तियाँ आ रही हैं, आते रहिए हमारे साथ साथ। इतनी सारी मूर्तियाँ हैं इसमें, देखिए बहुत सारी मूर्ति हैं और भी आपको सुंदर सुंदर मूर्ति दिखाएंगे। तो ये देखिए, ये राधा जी हैं और ये सुदामा जी हैं और ये कृष्ण जी हैं। जब कृष्ण जी सुदामा जी के पैर धो रहे थे, ये जब की मूर्ति है, तो हम इनको भी प्रणाम कर लेते हैं। दूसरी मंजिल पर आ चुकी हैं और यहाँ देखिए शिव जी की शिवलिंग है यहाँ पे और नंदी महाराज जी हैं। पुल बना रही थी, तो ये उस समय की मूर्ति है और ये भगवान की है, तो हम इनको भी नमस्कार कर लेते हैं और आगे देखते हैं। बहुत अच्छी अच्छी मूर्ति होंगी। अमरनाथ है, तो ये अमरनाथ का सीन है और ये भगवान शिव जी हैं और ये माता पार्वती हैं। तो भगवान शिव जी जब माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे, तो आपको वो तोता जो नजर दिखाई दे रहे थे वो सुन रहे थे माता सोमई जी, तो ये उस जगह का सीन है। तो हम आपको और भी दिखाते हैं अच्छी अच्छी मूर्ति। हनुमान जी के पास में आ चुकी है और देखिए कितनी बड़ी मूर्ति है और अब हम इनके दर्शन कर लेते हैं। ये यहाँ पे जो भी आता है अब अपनी मन्नत मांगने के लिए आता है, उसकी मन्नत पूरी हो जाती है। हम भी दर्शन करने आए थे, तो अब हम चलते हैं। अपने घर आ चुके हैं दर्शन करके, हम आ चुके हैं दर्शन करके और दर्शन हम बहुत अच्छे हुए, आज हमारा मन बहुत खुश हो गया दर्शन करके। हनुमान जी का दर्शन मंगलवार को तो ज़रूरी करना चाहिए, क्योंकि सुख शांति आती है। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। राम राम जी।